आज का ऑरेंज फ्लेवर मोदक यूट्यूब पे आप पहली बार देख रहे हैं। एकदम यूनिक मोदक है, इसे हम सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे और इसे गैस जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल मार्केट जैसा ये दिखेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी ये लगेगा। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बिना गैस जलाए फटाफट 5 मिनट में ऑरेंज फ्लेवर मोदक बनाएंगे, तो चलिए फटाफट देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इसके लिए हमें खाली 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक है ऑरेंज क्रश और ये जेली है ऑरेंज जेली, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। और ये कोकोनट पाउडर है या डेसिकेटेड कोकोनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जेली को कट कर लेते हैं। इस तरह से ये जेली आएगी आपको, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे। ऑलमोस्ट 2 कटोरी हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं हमारा ऑरेंज क्रश। अंदाज से आपको लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑरेंज क्रश बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा आपका। बॉटल लाने के बाद इसे आप जूस बना सकते हैं। इस तरह से ये बाइंड हो जाना चाहिए। हमारा क्रश भी परफेक्ट पड़ा है इसमें। आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए कितना मस्त कलर आया है। अब हम इसे एक मोदक सांचे में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। एक्चुअली लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लगा लो, थोड़ा इजीली ये निकल आता है। अच्छे से लगा लो। देखिए कितना बढ़िया सा ये हुआ है। अभी इसमें भर दो थोड़ा थोड़ा करके। देखो कितना प्यारा सा ये लग रहा है। इस तरह से इसे दबा दो। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके और नीचे से भी दबा देंगे। इस तरह से देखिए कितना बढ़िया सा यह हुआ है। और एक मैं बताती हूँ आपको, और इसमें बनाने का कोई झंझट नहीं है, ना आपको इसमें शक्कर डालनी है, ना कुछ डालना है, कुछ भी नहीं। अच्छे से ऊपर तक आप इसे स्टफ कर लो। बंद कर दो, अच्छे से दबा दो नीचे से। और ये इतना झटपट हो जाता है, आप बहुत जल्दी में है और आपको मोदक बनाना है तो आप इसे बिल्कुल झटपट बना ले सकते हैं। इसे निकाल दो, देखो कितना मस्त, कितना इजी। था ना कितना झटपट और इजी मोदक। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।